नमस्कार, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। भाई आज का ब्लॉग लेके आ गया हूँ नांगलोई से। तो भाई यहाँ पे एक फूल मंडी है, तो मैं दिखा रहा हूँ भाई कैसे वाली मंडी। यहाँ पे आपको बहुत ही रिजनेबल प्राइस मिल जाएंगे और फ्लावर मिल जाएंगे, मालाएं मिल जाएगी। तो चलिए आप लोग का शुरुआत कर लेते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं। भाई रेट में बताता हूँ क्या क्या रेट की मालाएँ होने वाली है। सबसे पहले तो भाई ये वाली देख लो, गेंदे के फूल की माला। उसके बाद मैं ये इसका भी रेट में बताऊंगा, इसका भी बताऊंगा। तो पहले इसका रेट पता कर लेते हैं। भैया क्या प्राइस की हो जाती है वाले माले? 20 रुपये। तो किस नाम से शॉप हो जाती है भैया जी अपनी? मनोज कुमार। चलो, और इसके क्या प्राइस हो जाते हैं भैया जी? 40 रुपये। तो एक उठा के मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो भाई। भाई इतनी बड़ी मालाएँ मिलने वाली है आपको यहाँ पर नांगलोई मंडी में। तो 40 रुपये प्राइस है इसका। और भैया जी इस वाले का क्या प्राइस है? 100। तो एक पीस उठा के दिखाएंगे आप। ये देखो दोस्तों, ये मिल जाएगी माला आपको सिर्फ 100 रुपये। सो कहीं दूर नहीं आना है, आप आ सकते हो भाई। मैं यहीं से दिखा देता हूँ, ये नांगलोई का फ्लाईओवर है, यहीं से ये मार्केट शुरू हो जाती है। तो चलिए यहाँ पे भैया इनसे ही पता करते हैं। तो भैया ये माला क्या प्राइस की हो जाती है? 200 रुपये किलो बनी बनाई। अच्छा बंडल 200 रुपये का। कितनी मालाएँ हो जाती है इसमें? 25। भाई 25 माला मिल जाएगी आपको, ये देखो दोस्तों, सिर्फ 200 रुपये में। तो भैया जी बैठे हुए भारी, ले सकते हो आप। तो अब चलते हैं, चलो इनके पास चलते हैं। तो बहन जी ये कितने की हो जाएगी ये बताइए अब? 100 रुपये। भाई ये माला भी देखो, ये देखो भाई, ये माला मिल जाएगी आपको सिर्फ 100 रुपये। और इस वाले का क्या प्राइस होएगा? 40 रुपये। भाई ये मिल जाएगी आपका दोस्तों 40 रुपये सिर्फ। तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं अब थोड़ा सा। सो भैया जी ये फूल पैक कर रहे हैं, तो भैया से पता कर लेते हैं। भैया जी कितने रुपए किलो मिल जाते हैं फूल? 100 रुपये। अच्छा 100-200 रुपये किलो। भाई 100-200 रुपये किलो ये वाले फूल मिल जाएंगे आपको गुलाब के। ये देखो भाई कितनी खिली खिली कली हैं, ये देखो भाई कितने फ्रेश फ्रेश है भाई। बहुत ठंडे है, बर्फ़ डाली हुई है भैया ने। ये देखो भाई पैक भी हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे ना पत्तियाँ भी मिल जाएगी गुलाब की, देख सकते हो आप। ये देखो भाई, तो इसका रेट मैं पता कर लेता हूँ भैया जी क्या प्राइस? 100 रुपये। 100 रुपये किलो। भाई 100 रुपये किलो को पत्तियाँ मिल जाएगी गुलाब की। तो यहीं एंट्री पे ही भैया बैठे हुए हैं, देख सकते हो आप। ये भैया की शॉप है। तो यहाँ पे मैं पता कर लेता हूँ। तो अंकल जी क्या प्राइस का जाएगा मोगरा? कितने रुपये की थाली है? 100 रुपये। भाई ये पूरी मोगरा की थैली मिल जाएगी आपको सिर्फ 100 रुपये की। ये देखो भाई यहाँ पे अंकल जी बैठे हैं, यहाँ भी मोगरा है, उधर भी मोगरा है। तो इनका प्राइस है 100 रुपये। तो यहाँ पे मेरे को कमल के फूल भी नज़र आ रहे हैं जी। ये देखो भाई अंकल जी इसका रेट बताया, इसका क्या हो जाएगा? 20 रुपये। भाई ये मिल जाएगा आपका 20 रुपये का एक फूल, ठीक है जी। एंट्री पर ही अंकल जी बैठे हैं, आप आ सकते हो नांगलोई। और लोकेशन मैंने आपको दिखा दिया, आप ले सकते हो। ये देखो दोस्तों भाई इतनी बड़ी तादाद में, भाई यहाँ पे आपको ना ये खिले खिले गेंदे के फूल मिल जाएंगे यहाँ पे, इतने फ्रेश ताजे। ये देखो भाई, तो इनका भी मैं रेट पता कर लेता हूँ भैया जी क्या भाव से मिल जाते हैं? 160 रुपये किलो। भाई दोस्तों 160 रुपये किलो मिल जाएंगे। तो बनाते हैं घर पे ये और मालाएं बना के भेज देते हैं ना। तो भाई मालाएं बना के घर पे भेज देते हैं जिसको जैसे यूज़ में लेना हो अपने। तो यही एंट्री पे भैया मिल जाएंगे आपको। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इनके पास गुलाब की पत्तियाँ भी मिल जाएंगी। और इसका क्या प्राइस होएगा भैया? 150 रुपये किलो। भाई 150 रुपये किलो। अगर कोई मोल भाव करना चाहे तो हो जाते हैं या फिक्स रेट? अच्छा 10-5 रुपये भाई ऊपर ऊपर नीचे हो जाते हैं। और ये 50 रुपये किलो भाई। और ये कितने रुपये किलो हो जाएगा? 200 रुपये किलो। भाई ये मिल जाएंगे आपको 200 रुपये किलो, आप देख लो। तो भाई ये ओनर है भाई यहाँ के। दोस्तों इस मंडी में आपको ये मिल जाएगी भाई, इसको कहते हैं घाऊ और हम लोग कहते हैं भाई घास। ये देखो भाई, तो इसका मैं रेट पता करके बताता हूँ भैया। इसका प्राइस क्या हो जाता है? 10 रुपये। भाई दोस्तों ये मिल जाएगी आपको, देखो ये वाली घास 10 रुपये एक गड्डी मिल जाएगी 10 रुपये की। ये देखो भाई तो कितनी फ्रेश फ्रेश है यहाँ पर, ये देखो। तो यहाँ पे ना कुछ पैकेट वाले गुलाब के फूल भी रखे हुए हैं यहाँ पर, ये देखो भाई। तो इसका भी मैं रेट जान लेता हूँ, इसका प्राइस क्या हो जाएगा?
और भैया जी इसका क्या प्राइस होएगा, इसका क्या प्राइस होगा? 200 रुपये। अच्छा ये मिल जाएगी भाई दोस्तों आपको एक गड्डी 200 रुपये की। ये देखो भाई, ये देखो मैं निकाल के दिखा देता हूँ, ये देखो। तो यहाँ पे और भी बहुत से यहाँ पे फ्लावर आपको मिलने वाले हैं। ये देखो भाई, ये दोस्तों ये वाले देखो, तो ये भैया ने निकाले हुए हैं। भैया एक दिखाने ज़रा, तो ये देखो दोस्तों आप देख सकते हो। तो इसका क्या प्राइस होएगा? 70 रुपये। ये सारे के सारे मिलेंगे 70 में भैया? सारे के सारे 70 में मिलेंगे। ये देखो दोस्तों, अब इसके अलावा इसमें आपको देखो कलर बहुत सारे मिलने वाले हैं। येलो हो गया, वाइट हो गया, पिंक कलर हो गया, रेड कलर हो गया, तो बहुत सारे कलर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ये देखो दोस्तों भाई सुबह सुबह आकर के भाई कस्टमर लेके जाते हैं माल अपने अपने हिसाब से। तो मैं इसका भी रेट में पता करके बता देता हूँ। तो भैया जी इनका क्या प्राइस होता है? 200 रुपये किलो भाई, 200 रुपये किलो इसका प्राइस हो जाएगा। अभी ये देखो भाई, ये बहुत खिले खिले गुलाब है। ये देखो भाई यहाँ रखे हुए, देखो कितनी क्वांटिटी में रखे हुए आप देख सकते हो। तो भैया इस वाले गुलाब का 200, और वो कमल जो रखे हुए हैं 20 रुपये पीस। भाई कमल मिल जाएगा आपको 20 रुपये पीस, गुलाब के फूल मिल जाएंगे आपको 200 रुपये किलो। और भैया जी इनको क्या कहते हैं? डोडी है। भाई डोडी कहते हैं। और ये कितने रुपये किलो हो जाते हैं? 200 रुपये भाई, 200 रुपये किलो आपको डोडी मिल जाएंगी। ये देखो भाई, चलिए दोस्तों यहाँ पे कुछ रेट वगैरह पता कर लेते हैं। ये क्या चीज़ है आंटी? धतूरा भाई, जो शिव जी को चढ़ता है धतूरा। तो इसका कितने का रेट आंटी जी? 50 रुपये किलो भाई। दोस्तों ये धतूरा मिल जाएगा आपको 50 रुपये किलो। ये देखो भाई यहाँ रखे हुए हैं। और ये क्या चीज़ है? भांग है। अच्छा ये भांग है भाई, जो शिव जी को चढ़ती है। और ये क्या चीज़ है? बेलपत्ती। अच्छा बेलपत्ती। दोस्तों ये देखो भाई बेलपत्ती भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख रहे हो आप। और ये किस हिसाब से मिल जाती है आंटी? 200 रुपये किलो भाई, ये मिल जाएगी आपको 200 रुपये किलो। तो मंडी मैंने दिखा दी है, मेन रोड पे ही मंडी लगी हुई है, आप आ सकते हो यहाँ से ले सकते हो। चलिए भैया के पास चलते हैं। तो भैया के पास भी यहाँ पे मोगरा रखे हुए हैं। तो भैया क्या प्राइस के हो जाते हैं बताएं ज़रा? ये 100 रुपये का भैया। 100 रुपये का पूरा पैकेट मिलता है? तो ये वजन के हिसाब से मतलब क्या चीज़ होती है? अच्छा मंडी का रेट होता है भाई। ये 100 रुपये की पूरी आपको ऐसी पैकिंग में मिल जाएंगी। ये देखो भाई, तो यहाँ पे ये देखो बगल में भी है और अंकल जी के पास भी है। तो चलिए थोड़ा सा और अंदर चलते हैं। तो दोस्तों मैं थोड़ा एक गली में आ गया हूँ, जो सामने आप भी आओगे तो आपको दिख जाएगी। तो मैं यहाँ भी रेट पता कर लेता हूँ। तो भैया ये जो बनी बनाई माला है क्या प्राइस की हो जाती है? 20 रुपये भाई। दोस्तों ये माला मिल जाएगी बनी बनाई आपको यहाँ पर 20 रुपये की। तो और ये जो खुले फूल हो जाते हैं भैया, ये क्या प्राइस की हो जाती है? अच्छा 100 रुपये, 120 रुपये किलो ये आपको खुले फूल ऐसे मिल जाएंगे। ये देखो भैया, तो चलिए थोड़ा और अंदर चल लेते हैं। यहाँ भी मैं दिखा देता हूँ, यहाँ भी भैया बैठे हुए। तो ये भैया जी डोडी क्या भाव हो जाती है? क्या कैसे किलो मिल जाती है डोडी? रोज़ का भाव, आज का क्या भाव है? 200 रुपये। तो ये आपको मिल जाएगी जी 200 रुपये किलो, आइए आज का भाव है जी। ठीक है जी, ये भैया बैठे हैं, अंदर आओगे दिख जाएंगे, आप ले सकते हो भैया से। भैया माला भी लेके बैठे हुए, तो यहाँ भी आपको माला ही दिख जाएगी दोस्तों, आप देख सकते हो। तो मैं भैया से पता कर लेता हूँ। तो भैया जो माला है ये क्या क्या प्राइस की हो जाती है माला, ये बताएंगे ज़रा? अच्छा 15 रुपये की ये वाली। तो दोस्त ये बनी बनाई मिलती है भाई? बनी बनाई माला मिल जाएगी दोस्तों आपको ये 15 रुपये की। अब ये वाली, अच्छा ये वाली भी 15 रुपये है। तो यहाँ पे आपको भाई फूल की माला देखने को मिलेगी। तो आप आ सकते हो, थोड़ा सा अंदर आओगे तो भैया मिल जाएंगे। तो यहीं भी भैया की शॉप है। तो यहाँ भी मेरे को भाई कुछ गेंदे के फूल नज़र आ रहे हैं भाई, खिले खिले। तो इतने सारे भैया जी क्या भाव हो जाते हैं? 100 रुपये किलो। और दोस्तों आप देख लो भाई, 100 रुपये किलो यहाँ पे आपको गेंदे के फूल मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है जी, भैया बैठे हुए, आप आ सकते हो ले सकते हो। तो ये पत्ती मैं पूछ के बता देता हूँ भाई, ये वाली भी। तो भैया इसका क्या भाव हो जाता है? अच्छा 200 रुपये किलो। तो दोस्तों अगर लेना चाहो तो भाई यहाँ पर मिल जाएंगे आपको ये 200 रुपये किलो, देख रहे हो। तो पत्तियाँ भी हैं, और पत्तियाँ क्या भाव हो जाएगी भैया जी? 100 रुपये किलो। तो दोस्तों पत्तियाँ मिलेगी आपको 100 रुपये।
ये दोस्तों इन गुलाब के फूल का भी मैं रेट पता कर लेता हूँ भैया से। तो भैया इनका क्या प्राइस हो जाते हैं इनके? 200 रुपये बंडल। ये सारे के सारे मिलेंगे 200 में भाई? 200 रुपये में ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। आइए दोस्तों, आप दरवाजे के चौकट पे काफ़ी लगे, काफ़ी यूज़ होने वाली चीज़ है ये वाली। मंदिर हो गए, घर हो गए, शादी ब्याह हो गई, तो इसका भी मैं रेट पता करके बताता हूँ आपको। तो भैया क्या प्राइस हो जाते हैं इनके? अच्छा 50 से 100 रुपये। कितने मिल जाते हैं पूरी लच्छी? लच्छी में कितने हैं? 12। अच्छा 10 है भाई, 10 है एक लच्छी के अंदर भाई, 50 से 100 रुपये। ठीक है जी, आप आ सकते हो और ले सकते हो। लो जी दोस्तों, आपको ये भी दिखा देते हैं, ये है पान पत्ता भाई। ये मिल जाएगा आपको भाई। ये देखो भाई, ये भैया जी कितने हो जाते हैं? 50 रुपये का। तो एक में कितने पीस हो जाते हैं भाई? 10 पीस भाई, 10 पीस मिल जाएंगे आपको एक गड्डी के अंदर। और ये घास घास कैसे हो जाती है भैया जी? 10 रुपये का भाई, ये भी 10 रुपये की एक गड्डी आपको मिल जाएगी घास। ठीक है जी, चलिए जी और आगे चल लेते हैं थोड़ा सा। सो भाई, ये माला वगैरह बनाने में यूज़ होती है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं भैया से रेट पता कर लेता हूँ। भैया क्या रेट की हो जाती है? 15 रुपये भाई, 15 रुपये की एक मिल जाएगी आपको। तो अरे ये ब्लैक वाला भी भाई, कोई भी ले लो, आपको ये 15 रुपये का एक मिल जाएगा। तो भैया बैठे हुए, आप आ सकते हो, ले सकते हो। दोस्तों, अगर आज का व्लॉग पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन करना। दोस्तों, अगर कोई नांगलोई फूल मंडी आना चाहता है तो भाई नियर बाय मेट्रो स्टेशन पड़ेगा भाई नांगलोई का, और बस स्टैंड भी मेट्रो के नीचे ही है, तो आप यहां से हो जाएगी भाई मार्केट शुरू। तो चलिए दोस्तों, यहीं करता हूं वीडियो का एंड। जल्दी मिलूंगा नई जगह, नया वीडियो, नया व्लॉग लेके। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।